हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। इस रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट। दोनों लोगों के लिए ये रीडिंग है। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनका ज़्यादातर ये मैसेज आता है कि मैम बात तो हो रही है बट कमिटमेंट को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए हम कार्ड से और येस और नो बोर्ड से देखेंगे कि कॉन्टैक्ट अगर है तो कमिटमेंट कब तक मिलेगी, क्या चांसेस हैं। और जो नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए हम कार्ड से मैसेजेस लेंगे और इससे देखेंगे कि आपको कॉल मैसेज कब तक आ जाएगा। तो इसके लिए हम पेंडुलम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जो रीडिंग करेंगे वो नो कॉन्टैक्ट वालों की करेंगे, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट वालों की एटलीस्ट बात भी नहीं हो रही है, तो पहले हम उनके लिए रीडिंग करेंगे। तो अगर आप कहेंगे तो मैं खुद ही से टाइम स्टैम्प लगा दूंगी ताकि जो कॉन्टैक्ट में है वो डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे चले जाएं, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट में हैं इस येस और नो बोर्ड से बताएं कि क्या आपको कॉल मैसेज आने वाला है, और अगर आने वाला है तो कब तक आने वाला है, कितना टाइम पीरियड लग सकता है, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें, क्या कॉल मैसेज आएगा जो नो कॉन्टैक्ट में है। ओके, इट्स अ येस, स्ट्रेट जा रहा है। ओके, तो कॉल मैसेज तो आएगा गाइस, कब तक आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई दिन, कोई डेट, कोई महीना। जो लोग काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट में हैं, यहाँ देखिए मैक्सिमम जो टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है वो जनवरी का दिया जा रहा है। मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ जनवरी की होगी और पेंडुलम यहाँ टर्न ले रहा है। ओके, तो ये जो इंडिकेशन है ये सितंबर एंड अक्टूबर की है। ओके, ये जो एनर्जी है ये मेरे राइट साइड में जा रही है जहाँ पे सितंबर एंड अक्टूबर लिखा है। ओके, तो बहुत सारे लोगों को देखिए सितंबर मंथ में ही कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे, अभी स्टिल अभी सितंबर बचा है। इसके अलावा अक्टूबर और मैक्सिमम जनवरी का टाइम फ्रेम यहाँ एंजल्स आपको दे रहे हैं। सैटरडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, ये कुछ दिन होंगे सितंबर एंड अक्टूबर में जो आपके लिए लकी होंगे। क्या आप अल्फाबेट्स भी गाइड करेंगे एंजल्स? अगर आपकी आपके पर्सन की एरीज राशि है, मीन राशि है, लिब्रा राशि है, जेमिनाई है, कैंसर है, तो इन साइंस वालों को बहुत जल्दी मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। और कोई साइन है? पाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यस की एनर्जी है और यहाँ पर सितंबर एंड अक्टूबर लिखा है, और पहले यहाँ जनवरी की इंडिकेशन दी जा रही थी। तो सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में काफ़ी लोगों को मैसेजेस आएंगे, और जो साइन यहाँ पर हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं और उनको बहुत जल्द कॉल मैसेज रिसीव होने वाले हैं। स्पेशली जो राशि आपको बताई गई है वो आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। इन राशि वालों का यूनियन बहुत जल्दी होने के चांसेस वाइब्स यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, और फिर लास्ट में हम देखेंगे मैसेजेस आप दोनों के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो कॉन्टैक्ट में हैं क्या उनको कमिटमेंट मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कब तक मिलेगी। इट्स अ येस, इट्स अ नो, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त कॉन्टैक्ट में हैं क्या उनको उनके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट रिसीव होगी, प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त कॉन्टैक्ट में हैं
क्या उनको उनके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट रिसीव होगी एंजल्स? क्या कमिटमेंट रिसीव होने के चांसेस हैं? क्या पॉसिबिलिटी है या इट्स अ येस और इट्स अ नो? प्लीज़ गाइड करें। अगेन इट्स अ येस, स्ट्रेट एनर्जी है। क्या आप हमें बताएंगे कि कब तक वेट करना चाहिए कमिटमेंट के लिए, कितना टाइम पीरियड तक मैक्सिमम? ओके, देखिए एनर्जी चेंज हो रही है। अप्रैल, मई, नवंबर, ओके, क्या और कोई इन्फॉर्मेशन? ज़्यादातर व्यूवर्स के लिए यहाँ जो इंडिकेशन है वो मार्च अप्रैल की है, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर या नवंबर की है, स्पेशली नवंबर की। अक्टूबर बहुत मुश्किल है, नवंबर की है। तो यहाँ पर नवंबर, मार्च एंड अप्रैल, अब आपको इसको ये देखना है कि आने वाले समय में क्या इस ड्यूरेशन में आपको कमिटमेंट आपके पर्सन की तरफ से रिसीव होती है। सो मैंने कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट दोनों के लिए पेंडुलम से देख लिया है। अब हम दोनों के लिए मैसेजेस इकट्ठे लेंगे, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। कुछ लोगों की आज के दिन लड़ाई हुई है 100%। किसकी किसकी हुई लड़ाई? अरे क्यों लड़ते हो इतना? मेरे पास तो लड़ने का भी टाइम नहीं होता। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स आपको। विल टेक थ्री कार्ड्स ओनली, थ्री कार्ड्स एंजल्स। ओके, ज़्यादा अपने मर्जी से दिया है आपने। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन जो है ना बड़े चुप्पा किस्म के हैं, जो होते हैं ना एकदम चुप रहते हैं, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ भी एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं, अपने ही लाइफ में बिजी रहना, अपनी ही पढ़ाई लिखाई करते रहना, काम काज करते रहना, बिजनेस करते रहना, या अपनी ही धुन में मस्त रहना। इस तरह की कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी रही है काफ़ी टाइम से। जब रोमांटिक होते हैं तो तभी होते हैं जब वो आपके सामने होते हैं, आपके आसपास होते हैं। जैसे ही आपसे दूर जाते हैं बड़े अनरोमांटिक से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि इनकी सोल में से जो वीनस की एनर्जी है वो गायब हो गई और बस इनके पास वही एनर्जी बची जो कि मटेरियल थिंग्स के लिए है, कि भैया काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई करनी है, वॉट एवर जो भी इनकी सिचुएशंस है। बट जब आपके सामने होते हैं तो इनका जो रूप होता है, जो रंग होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर होता है, प्रोवाइडिंग नेचर होता है। ऐसे प्यार करेंगे, ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अपने बारे में जैसे कि बरसों से बात नहीं हुई है। और जैसे ही आपसे दूर होते हैं ना, ऐसा लगता है आप लोगों के रिश्ते में एक सूखापन सा आ गया। ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल पतझड़ जैसी सिचुएशन हो गई, बिल्कुल सूना सूना, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं। आपको कई बार लगता है कि यार ये मिलते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं और जब ये दूर चले जाते हैं तो बड़े अजीब से हो जाते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ, बिकॉज कार्ड्स तो यही बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके लाइफ में सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉकेज है। सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। यहाँ पर आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप में अगर ब्लॉकेज है तो वो रिलेशनशिप सस्टेन नहीं करेगा। जैसा कि मैंने आज रीडिंग की नो कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट की, तो नो कॉन्टैक्ट का रीज़न भी यहाँ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं और कॉन्टैक्ट में होते हुए भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, इसका जो रीज़न है वो भी ब्लॉकेज हो सकता है। सो हील योर ब्लॉकेजेस, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट पे, ज़रूर देखिए फ्री टाइम में और अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनके लाइफ में बहुत स्टॉर्म्स आए हैं, बहुत ज़्यादा इनको तूफ़ानों का सामना करना पड़ा है और इसीलिए इनकी जो एनर्जी है वो बहुत अजीब सी हो गई है। ये बहुत ज़्यादा
अपने लाइफ को सिक्योर बनाकर चलने की कोशिश करती हैं या करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत पूरी दुनिया का बर्डन इनके ऊपर है और इनकी ही जिम्मेदारी है सबको खुश रखना, इनकी ही जिम्मेदारी है सारी सिचुएशंस को बैलेंस करना, जिसकी वजह से ये अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं इसका मतलब इसमें आप भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही रीज़न है जिसकी वजह से ये जब आपसे मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, और जैसे ही ये आपसे दूर जाते हैं, आपके ऑरा से, आपकी एनर्जी से दूर जाते हैं, इनको फिर से ऐसा लगने लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में फिर वही रूटीन, वही चीज़ें, बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं, बिल्कुल तूफ़ान की तरह दूसरे दिन से इनको वही काम करना शुरू कर देना है, अपनी लाइफ में रुकना नहीं है, बस करते रहना है काम। तो ये जो एनर्जी है ये आपके पर्सन की है, ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस तरह के मैसेजेस देना चाह रहे हैं। सो इनकी भी लाइफ में चेंजेस ये मैनिफेस्ट करते हैं, कभी कभी डिवाइन से ये भी मैनिफेस्ट करते हैं कि इनकी भी लाइफ में कुछ मिरेकल्स हो जाएं, कुछ चेंजेस आ जाएं, जिससे कि आप और ये एक हो जाएं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टिसिज्म वाली है, जैसे कि ये आपको बताते नहीं हैं बट ये विश करते हैं, मंदिर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में प्रे करते हैं। इवन अगर कभी भी ये स्टार्स देखें या आसमान में देखें तो भी ये आपके बारे में सोचकर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं बट ये चीज़ें कभी आपसे शेयर नहीं करते, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको बच्चा समझोगे या ये बचकानी हरकत समझोगे या आप कहोगे बटरिंग कर रहा है, तो इसलिए मे बी ये आपसे बहुत ज़्यादा अपने जो इनर जो इनकी फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते। वो अपनी एक सीक्रेटिव साइड है उनकी जिसको वो बहुत सीक्रेट ही रखना पसंद करते हैं। तो ये थी गाइज आज की एक छोटी सी रीडिंग, होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।